और आइए बात करते हैं शारदीय नवरात्रि की, जिसका आज अंतिम दिन है। माता के भक्त 9 दिन तक देवी की पूजा पाठ, मंत्र जाप और साधना कर उन्हें प्रसन्न करते हैं। आज नवरात्रि का 9वां दिन है और इस दिन माँ दुर्गा की नवी शक्ति सिद्धदात्री देवी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। और किस तरह से मध्य प्रदेश में भी ये पूजा अर्चना की जा रही है, क्या माहौल है वहां के मंदिरों का, हम जान लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, हमारे साथ राजीव मिश्रा जुड़े हुए दतिया से, वहीं दिनेश दहिया रीवा से तस्वीरें पहुंचाएंगे और मंदसौर से हमारे साथ कमलेश मोदी हैं। सबसे पहले हम कमलेश आपका रुख करेंगे, मंदसौर के किस प्राचीन मंदिर में आप खड़े हैं और महानवमी के दिन किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं, तस्वीरें भी पहुंचाएं। जी बिल्कुल अमित, पहले तो मैं आपको और अपने तमाम दर्शकों को रामनवमी के दर्शन बहुत बहुत बधाई शुभकामना देना चाहूंगा। आज चूंकि रामनवमी है और नवमी है, दुर्गा की जो पूजा की जाती है, मैं खड़ा हूँ मंदसौर के माँ नालछा माता मंदिर में। ये प्रसिद्ध मंदिर आप मेरे पीछे तस्वीरें के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है भक्त पहुंच रहा है अपने दर्शन करने के लिए, माता के दर्शन करने के लिए। माँ नालछा जो है उनका दिव्य यहाँ पर श्रृंगार किया हुआ है। माता यहाँ पर जो है काल भैरव के साथ में यहाँ पर स्वयं विराजमान है। आप देख सकते हैं कि माँ जो सामने है, तस्वीर आप देख सकते हैं कि माँ की जो प्रतिमा है वो सामने लगी हुई है। निश्चित तौर पर लोगों में काफी उत्साह भी मेरे साथ में कुछ यहाँ पर मातृशक्ति भी मौजूद है। मातृशक्ति से ही बात करने की कोशिश करेंगे कि नवरात्रि के 9 दिन कैसे रहे हैं और क्या मंदिर के प्रति आस्था है, क्योंकि आप भी अभी गरबा कर रहे थे, काफी आप भक्तिमय माहौल में डूबे हुए थे, क्या लग रहा है आप? मैं लायनेस क्लब के अध्यक्ष, मैं 9 दिन के लिए बहुत मन मान के आती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और साल में 4 बार नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि रहती है और 2 चैती मार्च में और 1 अक्टूबर नवंबर में रहती है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। दीदी आप बताएं कि 2 साल से कोरोना चला है, कोरोना था, त्योहार जो है वो घर तक सीमित रह गए थे, कैसा लग रहा है? कोरोना काल में तो हमें अच्छा नहीं लगा था, बाकी अभी हम लोग रोज डेली आ रहे हैं 9 दिन माँ के दर्शन। अदर में गुप्त नवरात्रि में भी 9 दिन आती हूँ और दोनों नवरात्रि में 9 दिन आती हूँ, और माँ के आशीर्वाद से मेरे सब काम पूर्ण होते हैं और मैं माँ को बहुत मानती हूँ। जी आप बताएं, आप कैसा फील महसूस कर रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि में माँ नालछा की काफी आस्था भी होती है, दुर्गा की 9 ही रूपों की पूजा होती है, मगर नवरात्रि में क्या विशेष मान? नालछा माता की एक विशेषता ऐसी है, जो भी भक्त एक बार दर्शन करने आता है वो बार बार दर्शन करने आता है, और उनकी भक्ति इतनी बढ़ जाती है और उनकी श्रद्धा इतनी बढ़ती है कि वो हर बार दर्शन करने की लालसा से हर नवरात्रि में दर्शन करता ही करता है। माँ नालछा के प्रति लालसा यहाँ के भक्तों में देखी जाती है अमित, क्योंकि लोगों का कहना है कि माँ नालछा से जितनी बार मन्नत मांगी। बिल्कुल कमलेश, हम देख पा रहे हैं कि भक्तों में भी काफी उत्साह और 9 दिन तक पूरे विधि विधान के साथ इन्होंने पूजा अर्चना भी की है। कमलेश आप जुड़ रहे हैं, हम रुक कर लेंगे दतिया का, राजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, दतिया के किस प्राचीन मंदिर में आप खड़े हैं और संभव हो तो माता रानी के दर्शन भी जरूर कराएं। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धात्री के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, और देवी साधक जो 9 दिन से लगातार यहाँ साधना कर रहे थे, क्योंकि देवी पीताम्बरा को साधक साधना की देवी भी माना जाता है, और लगातार यहाँ बड़ी संख्या में साधक यहाँ आते हैं और 9 दिन यही रुक कर माता रानी की साधना करते हैं और जप करते हैं। आज नवरात्रि के 9वें दिन यहाँ पर सुबह से ही भक्तों की बड़ी संख्या में पहुंचना हुआ है, और पीछे जो प्राचीन आप सीधी तस्वीरों के माध्यम से अपन बेटी देख रहे होंगे, इस समय सुबह से ही बड़े भक्तों का अनुष्ठान का सिलसिला शुरू हो गया है, और बड़ी संख्या में यहाँ भक्त पहुँच कर जो यहाँ साधना कर रहे थे पिछले 9 दिन से, तो साधना आज उनकी पूरी होगी और देवी माँ बगलामुखी का यहाँ अनुष्ठान होगा, वो अनुष्ठान करेंगे। अनुष्ठान प्रारंभ हो चुका है, यहाँ पर आप सीधी देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ अनुष्ठान चल रहा है, सुबह 4 बजे से यह अनुष्ठान चल रहा है और बड़ी बड़ी कतारें लगी हुई हैं, लोगों को अपनी बारी का इंतजार है, और यहाँ पर कई साधक हैं, हम इनसे बात करने का प्रयास भी कर सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ अनुष्ठान होता है। दादा कहाँ से आए हैं आप? हम तो रांची से आए। तो क्या किस प्रकार का अनुष्ठान होता है यहाँ? ये हर एक नवरात्र में, शारदीय नवरात्र और ये जो अभी वाला आश्विन वाला नवरात्र है, इसमें ये 9 दिन का आज नवरात्र
नौमी है, नौमी पूजा है, इसी के लिए ये हवन जी। और क्या 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 पूजा अर्चना होती है, क्या साधना होती है माई की नौ दिन? लोग जिनको मंत्र है वो लोग जाप करते हैं जी। और भी हमारे साथ कुछ साधक यहाँ मौजूद हैं, क्या क्या पूजा होती है नौ दिन, क्या साधना होती है? बिल्कुल बिल्कुल राजीव, हम देख पा रहे हैं कि भक्तों में काफी उत्साह है और माता रानी के दर्शन करने के लिए सुबह से ही कतारबद्ध होकर पहुंच रहे हैं। राजीव आप जुड़े रहे हमारे साथ, हम रुक कर लेंगे। दिनेश दहिया का रीवा से हमारे साथ सहयोगी कनेक्ट हो चुके हैं। दिनेश, माता रानी के किस प्राचीन मंदिर में आप खड़े हैं और किस तरह से भक्तों का उत्साह है, तस्वीरें भी पहुंचाएं। देखना चाहते हैं कि लगातार सुबह से भीड़ यहाँ बढ़ रही है, लोग अपनी आस्था को लेके, आज नवमी का आखिरी दिन है और यहाँ लोग बढ़ रहे हैं। हमारे साथ पुजारी जी भी हैं, पुजारी जी से बात करेंगे कि क्या भाई का नौवां दिवस है, नौवे दिवस में जो है तो महाआरती सुबह की गई है, अभी दोपहर की मंगला आरती की जाएगी, शाम के शहर की आरती की जाएगी और आज जो है इसका हमारे नवरात्र का विसर्जन भी होगा, जिसमें कन्या भोज की तैयारी होगी और यहाँ जो आस्था का केंद्र बहुत तेजी में आके यहाँ यहाँ साल में दो बार कुमार और क्षेत्र है और यहाँ की जो विशेषताएं हैं तो माँ का जो तो 22 एकड़ का तालाब है जिसमें जो विशेष करके महाशिव के पूजा बीचों बीच तालाब में है जी। बिल्कुल पंडित जी कहना है कि आप जी, जी दिनेश बिल्कुल आप जुड़े रहे हमारे साथ, हम रुक कर लेंगे। देवास का प्रताप सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जी प्रताप, तस्वीरें पहुंचाएं कि देवास में किस तरह से नवमी मनाई जा रही है। नवरात्रि के अंतिम माँ नवमी, हेलो जी, नवरात्रि के आज अंतिम दिन नवमी दिवस पर भी श्रद्धालुओं का बहुत बड़ी संख्या में आना जाना लगा हुआ है और आज बीती रात भी अष्टमी की रात में भी आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे और आज वहाँ के नवरात्रि के दिन नवमी के दिन सिद्धदात्री माँ की पूजा के रूप में माता की पूजा की जा रही है। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा माता के दर्शन करवाएं भक्तों को जो हमारे संख्या से जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, बड़ी संख्या में भक्तों का आना जाना लगा हुआ है, महिलाएं काफी संख्या में उपस्थित है। जी बिल्कुल, आप सभी सहयोगियों को बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और माता रानी के दर्शन कराने के लिए। तो जिस तरह से माता रानी का भव्य स्वरूप विराजित है मंदिरों में, हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे थे कि मध्य प्रदेश के मंदिरों में किस तरह से भक्तों का तांता सुबह से लगा हुआ है। और यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बात करेंगे।